बेगम अपना किचन बचा लेना, अपनी शार्ट लगाने लगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं मोहम्मद अरशद। मैं हूं ज़ैनब। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा YouTube चैनल अरशद व्लॉग। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे। और आज हम बना रहे हैं अपने मेहमानों के लिए चिकन मैक्रोनी। क्यों बेगम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल। लाएं बेगम, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। कुछ मेहमानों का ही तारुफ करवा दें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये जी हमारी प्यारी सी भांजी है। क्या नाम है आपका बेटा? मरियम। इस तरफ एक और हमारी प्यारी सी भांजी है, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हरम। हरम बेटा, ज़ैनब, मरियम, हरम मोहम्मद, आप लोग जरा ये धनिया और पुदीना बना दो, दोनों प्लेट में। बेगम आप थोड़ा साथ हो जाएं, मैं ये चिकन कर लूं छोटा छोटा। बेगम आप ऐसा करें, ये बड़ी स्लेट मुझे दे दे, मैं चिकन छोटा कर लूं। छोटी स्लेट आप रख लें। बिस्मिल्लाह। मेरा पुत्र, जाया नहीं करना धनिया और पुदीना। अच्छा, ये खुशबू के लिए डाल लें मैक्रोनी में। बेगम ये देखे इस साइज का ठीक है ना चिकन? आप भी बेगम ध्यान से है, हाथ पे लगा लेनी छुरी। बेगम मैक्रोनी जल्दी तैयार हो जाएगी नहीं? मैं बेटा इधर आओ। हरम बेटा आप भी आओ इधर। बेटा शाबाश बेटा, ये लो आप पानी लेके आओ नलके से। दोनों बहन भाई जाओ। माशाल्लाह जी, पुदीना ये धनिया। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। ज़ैनब के पापा ये ऑयल मुझे पकड़ा है, मैं कढ़ाई में ऑयल डाल। ये ले बेगम, ये ले। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। चलो खेलो, वो खेल रहे हैं ना, आप भी खेलो साथ उनके। थोड़ा काम रह गया मेरा। ज़ैनब के पापा जी, बेगम इधर मैंने लेटर रखा था, वो किधर? लेटर बेगम मेरी पॉकेट में है। बेगम आपको सिलेंडर ऑन कर दूं? जी जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, ये ले बेगम जी। बिस्मिल्लाह बेगम, ये चिकन धोना तो नहीं ना अब? नहीं नहीं, पहली दफा धो लिया बस, बड़ा नहीं। जी जी। ज़ैनब के पापा भूख तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं बेगम, भूख नहीं लगी, वैसे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। तो गुड़गुड़ तो अभी होता है जब भूख लगती है। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह, ये लें जी बेगम, चिकन भी तैयार हो गया, तो अब मैं फारग हूँ। बेगम मैं आ रहा हूँ हाथ धो के पास, एक मिनट में। बिस्मिल्लाह। बेगम साबुन नहीं लेके आए आप? अच्छा, हाँ साफ करना आपके पलू से। जी कर ले। बहुत शुक्रिया। और की बेगम काम हो तो बताएं मुझे। ज़ैनब के पापा ये चिकन फ्रीजर में रख दे, हाँ जी, और आते हुए दही ले आना। ठीक है बेगम, ठीक। मरियम बेटा एक ग्लास पानी ला के दो मुझे पीने के लिए। जज़ाकअल्लाह मरियम। बिस्मिल्लाह बेगम, ये दही पकड़ना मुझसे जल्दी जल्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे बर्तन नहीं मिला था। मैंने कहा इतने बर्तन क्या कर। माशाल्लाह बेगम, बोटियां आपने कढ़ाई में डाल दी हैं। जी जी। ज़ैनब के पापा अभी आपने टमाटर और हरी मिर्च भी काटनी है। बेगम मुझे बताएं ना। अच्छा बेगम किधर है टमाटर हरी मिर्च? टेबल के नीचे। अच्छा बेगम टमाटर और हरी मिर्च कितने कितने पीस काटने हैं? दो टमाटर काट दें। दो टमाटर हो गए और पांच हरी मिर्च। बेगम ये प्याज भी काटना? नहीं ज़ैनब के पापा, प्याज नहीं काटना। बेगम चूल्हे की आग थोड़ी तेज करें। बेगम टमाटर का तो ये नहीं होता कि ये छोटे काटने थे बड़े काटने थे? नहीं ज़ैनब के पापा, ये गल जाएंगे। बेगम दही मैक्रोनी के लिए मंगवाया था आपने? ज़ैनब के पापा मैं समझा था मैंने खाना चीनी डाल के। बेगम हरी मिर्च भी बस होने वाली है जी। बहुत शुक्रिया बेगम, मैं आ रहा हूँ ये कचरा फेंक के। मैं भी साथ आती हूँ, काफी भारी है। नहीं नहीं बेगम, बेगम मैं आ रहा हूँ एक मिनट में। चलिए आपको दिखाता हूँ, चार पांच दिन पहले मैंने आपको दिखाए थे अपनी खेतियाँ। ये हमने लहसुन लगाया था, देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और यहाँ इस दूसरी जगह पे हमने तकरीबन ये 8-10 खेतियाँ लगाई हैं, लहसुन की, धनिया है, पुदीना है, पालक है, गाजर है, गोभी है। इनशाला जैसे जैसे ये बड़े होंगे इन सब का दीदार आपको करवाएंगे इनशाला। अच्छा बेगम क्या कह रहे थे आप? अभी मटर निकालने हैं, गाजर काटनी है, और क्या था? और ये आलू के छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ये ले बेगम, ये मटर है जी, ये डाल दूं या हरी मिर्च? टमाटर हाँ, डाल दे। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, ठीक है बेगम, एक नजर इधर भी, ये साइज ठीक है? हाँ जी इतना ठीक है। ये आलू क्यों डालने मैक्रोनी में? ज़ैनब के पापा जिस तरह बच्चों को मैक्रोनी पसंद है ना, इस तरह आलू भी उनको बड़े पसंद है। बिस्मिल्लाह बेगम, मटर ऐड कर देने थे जी? ज़ैनब के पापा मैंने शामिल कर दिए। बेगम ये आलू ऐड करने हैं कि शामिल करने हैं? ज़ैनब के पापा ये दोनों ही करने हैं, शामिल भी करने हैं और ऐड भी करने हैं। अच्छा ये लें जी, बिस्मिल्लाह बेगम डाल दें। ज़ैनब के पापा भी दो के लाने हैं। दोनों? बिस्मिल्लाह। परेशान होने की क्या बात है,
बिस्मिल्लाह जी, जल्दी से धुल जाओ भाई जल्दी से। ये लें जी बेगम, आपके आलू शरीफ भी धुल गए हैं जी माशाल्लाह। लाएं बेगम, मैं करता हूँ ना जी जी, गाजर छोटी छोटी करनी है ना बस जी जी। बिस्मिल्लाह जी बेगम, सारे आलू डालने जी जी। ये आलू किसको पसंद थे? ये आलू मेरे मोहम्मद को। माशाल्लाह बेगम, दिल करते है ऐसे प्लेट में डाल के खा लें जी जी। आपको पता मेरा मोहम्मद क्या कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं मामा अगर दाल भी बनानी है तो छात में आलू डालें। बेगम एक नजर प्यार की, इधर भी ये देखें, ये साइज ठीक है ना? नहीं जैनब के पापा, अभी इसको और बारीक करें। बेगम ये देखें, बिल्कुल ठीक साइज है मेरे ख्याल में जी जैनब के पापा। ये नहीं बेगम, गाजर भी ऐड कर दूं? जी जी कर दो। बिस्मिल्लाह जी, वो धनिया पुदीना डालना भी खुशबू के लिए? नहीं जैनब के पापा जी, मैं एक दो शॉट खेल के आ रहा हूं जी जैनब के पापा। बेगम अपना किचन बचा लेना, अपनी शॉट लगाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। जैनब बेटा जल्दी से आ जाओ जल्दी से। बेगम आप बताएं, पहले नमक डालना कि मिर्च? नहीं पहले नमक डाल। देखना कितना नमक डालना? आधा चम्मच। बहुत अच्छा जी। रेड मिर्च कितनी डालनी? तीन चम्मच। तीन चम्मच दो। आप कौन सा अमरूद, किधर है अमरूद? वो जो ऊपर है। और ये हल्दी शरीफ बेगम कितनी डालनी? आधी चम्मच। लाएं बेगम, मैं भी थोड़ा इसको हिलाऊं जी, ऐसे लोग समझेंगे कि मैंने बनाई है जी। बिस्मिल्लाह, साडा भी यहाँ लग जाएगा जी जी। ये ले बेगम आप तशरीफ रखें, मैं आ रहा हूँ एक दो मिनट में, बस बच्चों के मुंह धुला के। जैन बेटा ये बाल खोलो। बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ जी एक एक करके। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, जल्दी से बुग्गी धो लो। कपड़े नहीं भिगोने आपने? पहले हाथ धो लो ना मल के यार। हाँ ऐसे ध्यान से बेटा, कपड़े नहीं भिगोने। बिस्मिल्लाह जी, ध्यान से कपड़े नहीं भिगोने। बिस्मिल्लाह जी। जैनब के पापा आ जाए, मसाला तैयार हो गया। आ गया, आ गया। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी हमारा मैक्रोनी का मसाला रेडी हो गया। इसके बाद बेगम वो मैक्रोनी उबालनी है जी जी। देखें बेगम पानी का अंदाजा तो आपको ही होगा। जैनब बेटा इधर आओ, मेरा पुत्र नलके से एक मग्गा पानी का लेके आओ। खीरा भी काट लेते हैं थोड़ा जी, बच्चों जी, के लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया जी। बेगम आप थक गए हो? जैनब के पापा आपको क्या लगता है आखिर आप इंसान हैं, पत्थर तो नहीं? जैनब के पापा जी बेगम, बात सुने जी, नहीं हमारा बॉयल हो गया, आप इसमें थोड़ा ऑयल शामिल कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैक्रोनी जो है ना आपस में जुड़ेगी नहीं। मैक्रोनी डालनी कढ़ाई में? हाँ जी हाँ जी, ये ले बेगम। अब आपने ध्यान रखना कि मैक्रोनी कितनी डालनी जी जी। जैनब के पापा एक चम्मच नमक भी शामिल कर दे इसमें। देखें इतना बहुत है जी। ये लो जी दुआ, खिला देना खिला देना। मरियम हरम जैनब आप लोग खाओ खीरा, चेक करें बेगम कहीं जाली ना जाए सारा कुछ। ये लो नमक लगा लो थोड़ा सा। बेगम आप टोकरी कंट्रोल करें जी जी। ये आ गया मैक्रोनी। जैनब के पापा वो पानी वाला मग्गा दे, इसके ऊपर फिर ठंडा पानी डालने लगे हैं ताकि ये मैक्रोनी आपस में जुड़े ना। कढ़ाई रखनी ना ऊपर। ये लो बेटा जैनब के पापा इसमें मैक्रोनी तो डाल दे। हाँ जी बेगम, ये ले बेगम सारी कढ़ाई में डाल दे। ये ले बेगम धनिया दो लाया हूं, केचप डाल दे इसमें कढ़ाई में जी जी। देखना बेगम आपने बहुत है। हां जी बहुत बहुत। नहीं बेगम धनिया मैंने डालने। ये लो बेटा चम्मच भी, आप चम्मच के साथ खा लेना। ये लो बेटा पानी भी साथ पीना किसी ने के नहीं। चलिए बेगम आप भी आए बैठे। ये लो बेटा केचप। चलो बेटा रेडी हो जाओ। बिस्मिल्लाह जी, ये ले बेगम, ये ले जी बेगम। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले बेगम बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। ये लो जी दुआ। बिस्मिल्लाह जी, ये लो जी हरम का जी। बिस्मिल्लाह जी, ये लो मुहम्मद आपका जी। बिस्मिल्लाह जी, ये लो जी मरियम माशाल्लाह बेगम, बहुत शुक्रिया जी। ये लो जैन बेटा आपका। ये लो बेटा कैचअ भी खाने साथ। बिस्मिल्लाह जी, ये लो मेरा पुत्र। ये ले बेगम अपने लिए भी डालें। जैनब के पापा एक प्लेट और दे मुझे। ये किस लिए है? हमारे कैमरामैन के लिए। अच्छा जी कैमरामैन आपके लिए। बेगम माशाल्लाह धनिया और पुदीने की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलो बेटा बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। बिस्मिल्लाह बेगम करें। तो बच्चों कैसी बनी है मैक्रोनी? बहुत मजेदार, बहुत मजेदार बेगम माशाल्लाह। जैनब पापा सिलेंडर बंद कर दे। हाँ हाँ बेगम जी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, अल्लाह ताला की किसी और नेमत के साथ उसका शुक्र अदा करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।